भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय रानीताल में किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि 17, 18 और 19 अक्टूबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा किया जाएगा, जहां पहले चरण में मंडल, फिर बूथ विजय प्रतिज्ञा, फिर महिला सशक्तिकरण पर संकल्प 1 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिज्ञा लेगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जनहित कार्य करेंगे। वहीं कार्यकर्ता 18 साल के प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल पर अच्छे काम की प्रतिज्ञा लेगा। महिला सशक्तिकरण संसाधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है। परिवारवाद, तुष्टिकरण, सनातन के खिलाफ जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका परित्याग किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि बीजेपी का संकल्प है कि सबका साथ और सबका विकास। वहीं गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कार्य किया गया है। विजय अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्पित है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और आचरण विरुद्ध राजनीति करती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट को लेकर भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से कल अपनी विधानसभा चुनाव को लेकर पहली सूची जारी की है, उसमें परिवारवाद साफ तौर पर झलकता है। वहीं भाजपा की सूची में देश दिखता है। वहीं उन्होंने कहा कि परिवारवाद, तुष्टिकरण देश के लिए नासूर बन चुका है। वहीं उन्होंने विपक्ष के गठबंधन पर कहा कि ऐसे गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बिसात बिछने से पहले ही उठ गई। कांग्रेस की पहली लिस्ट आते ही भगदड़ की आंधी आ गई। दल बदल को लेकर भी उन्होंने कहा कि दल बदलना अच्छी बात नहीं है। वहीं नरसिंहपुर के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर की जनता का उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जहां नरसिंहपुर की जनता भय और लालच में वोट नहीं देती, वहीं उन्होंने कमलनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि कमलनाथ जी कहीं और से चुनाव नहीं लड़ सकते। लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति स्वरूपा नवरात्रि के अवसर पर संकल्प लिया है कि हम त्रिदेव के शक्ति सम्मेलन 17, 18 और 19 तारीख को करेंगे और ये सम्मेलन प्रतिज्ञा का स्वरूप लेंगे। पहले चरण में हम मंडल स्तर से ये कार्य प्रारंभ करेंगे और उसके बाद बूथ स्तर पर बूथ विजय प्रतिज्ञा का कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। हमारा संकल्प है गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए अनवरत कार्य करना। उसे ये त्रिदेव के जो हमारे शक्ति सम्मेलन होंगे वो इस बात की प्रतिज्ञा करेंगे बूथ तक जाकर कि हम अपने लक्ष्य के प्रति अथक परिश्रम के साथ संपूर्ण मतदान का लक्ष्य प्राप्त करके 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारी प्रतिज्ञा, उन प्रतिज्ञाओं में हम 10 बातें कह सकते हैं। पहली प्रतिज्ञा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को और उनके जनहितैषी गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के प्रति समर्पण की प्रतिज्ञा। दूसरा है कि जो 20 साल जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें 18 साल से अधिक जो हमारी सरकार चली है उसके अच्छे कार्यों का, उनके प्रति हमारी प्रतिज्ञा होगी। तीसरी प्रतिज्ञा जो मैंने पहले भी कहा है कि सतत गरीब कल्याण की हमारी प्रतिज्ञा है। महिला सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश ने जो अगुवाई की है, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे बच्चियों को शिक्षा से लेकर उनको संसाधन देने की बात हो, उनके सम्मान की बात हो, उस पर सतत कार्य करने की हमारी अपनी प्रतिज्ञा है। हम परिवारवाद, तुष्टिकरण और जो लोग नैतिक मूल्यों के खिलाफ भी बोलने का साहस जुटा लेते हैं, सनातन के खिलाफ बोलने का साहस जुटा लेते हैं, उसके विरुद्ध लड़ने की प्रतिज्ञा भी अपने मतदान केंद्रों पर देंगे।
साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा से अपने उस मंत्र के साथ काम करता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज की मजबूती का एक ही आधार है कि हम देश की अपनी इस प्रतिष्ठा को जो दुनिया में आज सर्वोच्च स्थान की तरफ आगे बढ़ रही है, देश के ताकतवर देश भी आज हमारे नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारी जो पहली प्रतिज्ञा है वो मोदी जी के नेतृत्व की प्रतिज्ञा है। हम अपने सरकार के सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाएं उनको लेकर मध्य प्रदेश में लगातार काम करते रहे और इसलिए ये जो त्रिदेव है ये हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है जो मतदान केंद्र पर बैठा है, वो इन तीन दिनों में अपने इस शक्ति सम्मेलन और बूथ विजय की प्रतिज्ञा के साथ भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान को आगे बढ़ाएगा। एक प्रतिज्ञा और है जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भारत कांग्रेस के तुष्टीकरण के खिलाफ है, कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ है, कांग्रेस के द्वारा किए गए उन भ्रष्टाचारी आचरण के विरुद्ध है जिसने हमेशा भय, लालच और तुष्टीकरण की राजनीति की है। कल की जो सूची है उसमें परिवारवाद साफ दिखता है। जब पार्टी उनसे सवाल करती है तो वो कहते हैं कि वो अपना घर देखें। भारतीय जनता पार्टी के लोगों कार्यकर्ताओं को घर नहीं देश देखने की आदत है और उसे मानते हैं कि ये नासूर है परिवारवाद, नासूर है तुष्टीकरण और नासूर है ऐसी बातें जो सनातन को समाप्त करने तक की सीमा तक चली जाती है। और इसलिए मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इस लक्ष्य के प्रति आपके माध्यम से देश और प्रदेश को जानकारी देने के लिए मैंने आपसे संवाद किया है। यदि आप कोई बात पूछना चाहेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा।